नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं हया कपास। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी मौजूद हैं, जो हमें व्यापारियों के बुरे हालात या मुश्किल के बारे में बताने वाले हैं। जी हां, लगातार दो बार कोरोना की लहर से जूझने के बाद व्यापारियों की क्या मुश्किलें हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं संजय गुप्ता जी। बहुत-बहुत स्वागत है संजय गुप्ता जी। जिस तरह से कोरोना काल में व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो उनके लिए सरकार ने क्या बंदोबस्त किए हैं? सरकार ने अभी तक के व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। व्यापारियों के सामने पिछले 4 साल से लगातार समस्याएं आती ही जा रही हैं। सबसे पहले नोटबंदी हुई, उसके बाद GST आई, उसके बाद ये कोविड की पहली लहर आ गई, फिर दूसरी लहर आ गई। व्यापारियों के सामने बहुत चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं। एक तरफ तो व्यापारियों की सारी आमदनी बंद है, दूसरी तरफ व्यापारियों के सारे खर्चे चालू हैं। सरकार ने अपने किसी भी खर्चों को, अपने किसी भी मद को बंद नहीं किया है, चाहे वो बिजली के बिलों का भुगतान हो, चाहे वो हाउस टैक्स हो, चाहे वो GST की लाइबिलिटीज हो, या कोई भी और सरकारी वसूली हो। ऐसे में व्यापारी को जो उसके पास अपनी सारी जमा पूंजी है वो सब खत्म हो गई है। बैंकों के ब्याज हमको देने हैं, बैंकों की किस्तें हमको देनी हैं। दुकान संजय गुप्ता जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, जो नई गाइडलाइन अभी सरकार ने लागू की है, तो इससे शायद एक बार फिर व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 2 दिन बंदी रहेगी, सैटरडे और संडे। इससे उनके व्यापार पे और उनकी कमाई पर बहुत असर पड़ने वाला है, इसके बारे में क्या? देखिए, 2 दिन बंदी से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो अभी 2 महीने हम लोग बंदी करके आए हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। क्योंकि एक तो बिक्री ऑफ तो वैसे ही रहता है, हर मार्केट में एक बिक्री ऑफ रहता है, और यदि एक और ऑफ हो जाएगा तो उसका बहुत फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसको परचेजिंग करनी है वो बल्क की परचेजिंग कर लेगा या एक भी पहले परचेजिंग कर लेगा। प्रॉब्लम जो आई है वो ये आई है कि 2 महीने से व्यापार पूरी तरीके से बंद है, और हमारे अपने जितने भी खर्चे हैं वो सब चालू है। ऐसी स्थिति में कमाई और खर्चों का तालमेल बैठाना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी। ये जो छोटे व्यापारी हैं, ये बात अगर आप बड़े व्यापारियों की कर रहे हैं तो फिर जच जाता है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, जो रोड साइड पटरी बाजार लगाते हैं, उनके लिए काफी मुश्किल समय है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिये, मुश्किल समय सभी के लिए है, छोटे के लिए भी है, मझोले के लिए भी है, और बड़े के लिए भी है। छोटों के लिए थोड़ी सहूलियत ये भी है कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बहुत हाई नहीं है, और सरकार लेकिन गुप्ता जी, मैं ये कहूँगी, अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई नहीं है, लेकिन फिर भी कमाने में तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना। कमाई नहीं हो रही है उनकी, जाहिर सी बात है, पटरी पे कोई सामान नहीं ले रहा है, तो ऐसे में क्या करें? इसमें हमको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। जो छोटे पटरी वाले दुकानदार हैं, वो जो डेली बेसिस वाले हैं, उनके सामने चुनौतियाँ कम हैं। जो साप्ताहिक बंदी वाले हैं, उनके सामने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस समय साप्ताहिक दुकानें नहीं लग रही हैं। साप्ताहिक दुकानों के ना लगने से तमाम व्यापारी ऐसे हैं जो साप्ताहिक बाजारों में ही दुकानें लगाते हैं, वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है। और क्योंकि लॉकडाउन था, तो उस लॉकडाउन में निश्चित रूप से जो जिनके पास डेली कमाने खाने वाली व्यवस्था थी, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। वो चाहे ठेले वाले हों, चाहे घुमचे वाले हों, रेहड़ी वाले हों, उनके सामने वास्तविक रूप से बहुत समस्या आई। अब जैसे आपने साप्ताहिक बंदी की बात करी, तो यहाँ पे सैटरडे और संडे बंद रहेगा, तो जैसे सदर बाजार, निशादगंज बाजार, तो ये सैटरडे संडे ही लगती थी, तो अब ऐसे में वो व्यापारी क्या करेंगे? निश्चित रूप से अभी जो साप्ताहिक बाजार वाले व्यापारी हैं, उनके सामने चुनौती है, क्योंकि मुझको लगता है शायद अभी साप्ताहिक बाजार को अनुमति भी नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में साप्ताहिक बाजार वाले के सामने वास्तव में बहुत समस्या है, और जो छोटे दुकानदार हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके लाइबिलिटीज जो हैं अपनी खुद की, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और उन लोगों को जो पैसा मिलता है वो महंगे ब्याज पे मिलता है, क्योंकि उनको बैंकों से पैसा उनको मुश्किल से मिल पाता है, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर पर वो जाते हैं, उनके सामने वास्तव में बहुत चुनौतियाँ हैं। अच्छा, मैं ये पूछूंगी कि यहाँ पर अभी कोरोना काल
दूसरी लहर बहुत खतरनाक थी जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे में सरकार ने उनकी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ योजना चलाई है, किसी तरीके से मदद प्रदान की है, लेकिन क्या ये छोटे व्यापारियों के लिए भी क्या है कि जिन उनकी फैमिली ने जिन लोगों ने जान गंवाई तो क्या उन छोटे व्यापारियों को भी मदद मिल रही है? सरकार ने व्यापारियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक मदद देने का काम नहीं किया है। जो लोग कोविड से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनको सरकार को आर्थिक सहायता उनके परिजनों को देनी चाहिए। बच्चों के लिए तो सरकार ने एक योजना बनाई है कि जो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता या किसी एक को खो दिया है उनके लिए तो योजना बनाई है, लेकिन उसमें सभी के बच्चे हैं। व्यापारियों की अगर बात हम करें तो व्यापारियों के लिए सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई। हाँ, सरकार जो ठेले वाले खुचे वाले जो नगर निगम में पंजीकृत हैं उनको जरूर उन्होंने 1000 रुपये शायद महीना देने की बात कही है और उनको कुछ राशन देने की बात कही है, लेकिन बीमा योजना उनके लिए जो लोग कोविड से प्रभावित हुए हैं उनको किसी प्रकार की बीमा की राशि मिलेगी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये थे हमारे साथ संजय गुप्ता जी जो कि व्यापारियों की परेशानियां और मुश्किलों के बारे में बता रहे थे। इन्होंने सरकार से मांग भी की है, अब देखना ये है कि सरकार इनके सवालों का जवाब किस तरह से देती है और किस तरह से उनके मुश्किलों के मदद के लिए आगे आती है सामने।